नमस्कार, मैं जिलाधिकारी बाराबंकी आज दिनांक 7 मई 2021 को जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब अवगत हैं, दिनांक 5 मई से लेकर दिनांक 9 मई तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जिले में एक बृहद अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की और अन्य विभागों की टीमें घर घर जाके सभी घरों में रह रहे लोगों का हालचाल लेंगी और ये देखेंगी कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं तो उसका वहीं पे उपचार करने का प्रयास करेंगी, उनको दवाइयों का किट देंगी, वहाँ पर उपलब्ध कराएंगी। और अगर यदि वो पाती हैं कि किसी व्यक्ति की हालत ऐसी है कि उसको अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है तो तदनुसार वहाँ पर अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था होगी। पिछले 2 दिनों में इस अभियान के दौरान जो हमारी टीमों का कुछ अनुभव रहा है, उसमें कदाचित कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो टीमें आ रही हैं, सरकारी टीमें आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग की एवं अन्य विभागों की, वो अगर कोई व्यक्ति को लक्षण दिखाई देता है या वो बताता है कि उसे लक्षण है तो ऐसे लोगों को उठाकर जबरदस्ती किसी अस्पताल में ले जाएंगी या अन्य किसी स्थान पर ले जाएंगी। ये पूरी तरह से अफवाह है, ये एक भ्रम है। कृपया इन अफवाहों से बचें, भ्रमित ना हों। आपके सरकार की जो टीमें जा रही हैं, जिला प्रशासन की जो टीमें जा रही हैं, उनका महज उद्देश्य केवल इतना है कि यदि आप में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको घर पर ही वो दवाइयाँ उपलब्ध करा दें, ताकि आप उन दवाइयों का सेवन करके जल्द से जल्द अपने घर में ही आइसोलेट होकर ठीक हो जाएं पूरी तरीके से। और यदि वो पाती हैं कि मरीज़ की हालत ऐसी है कि अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है, उसी स्थिति में या तो सरकारी अस्पताल में या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में, जैसा भी मरीज़ चाहेगा वहाँ पर भर्ती कराने की भी पूरी व्यवस्था होगी। कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं की जाएगी। ये पूरा अभियान, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए ही संचालित किया जा रहा है और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, अफवाहों पर ना जाएं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोरोना की वर्तमान में वेव चल रही है, इसमें यदि हमने सवे रहते हुए दवाएं खा ली तो अधिकांश लोग पूरी तरीके से उपचारित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने लक्षण को नज़रअंदाज किया, बताया नहीं किसी को, अगर हमने दवाएं नहीं खाई तो समस्याएं बढ़ जाती है और मरीज़ की हालत वो गंभीर हो सकती है। तो कृपया इन टीमों का पूरा सहयोग प्रदान करें। आपको लक्षण है तो तत्काल इनको बताएं। ये भी आपका देखेंगी पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर के साथ अगर लक्षण हैं, और आपको वहीं पे प्रयास करेंगे कि दवाओं की किट उपलब्ध करा दें, ताकि आप अपने घर में ही रहते हुए स्वस्थ हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।